हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुस्लिम कांकर समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज की राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन हेतु चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से बिरादरी के जिम्मेदार हजरात ने भाग लिया। बैठक में शामिल तमाम अतिथियों ने सर्वसहमति से आगामी बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की बात कही। इस मौके पर महाराष्ट्र पुणे से निजाम सेठ, मध्य प्रदेश इंदौर से शेख हुसैन आलम, रियाज शेख, मुस्ताक सर, इस्माइल सर, जावेद शेख, धूलिया से जावेद कांकर एवं राजस्थान डूंगरपुर से अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष शेख राजू भाई बर्तनवाला सहित समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन इमरान सर ने किया एवं स्वागत भाषण हाजी सफी कांकर ने पेश किया। अल्लाह का एहसान है, आप सब की उम्र को पैदा फरमाने के बाद ईमान वाले घर में पैदा फरमाए। अल्लाह का एहसान है दोस्तों बुजुर्गों कि उसने हमें जो है मुस्लिम कायदा बिरादरी से हमारी नस्बत को जोड़ा। हमारी नस्बत हम देखें तो हमारी नस्बत है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। आपके दो बेटे थे, एक का नाम मुस्लिम था और एक का नाम ताकर था। वो खालिद बिन वलीद जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुआ कि उनको आपको जो है सैफुल्लाह का किताब दिया गया कि अल्लाह की तलवार। तो दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह की तलवार जो है कभी हारती नहीं। आपने जो है तालिबान 160 जंगें किए और हर जंग के अंदर आपकी एक ही तमन्ना हुआ करती थी, मैं आज बड़ा खुशी का दिन है, हमें बिरादरी के भाइयों से मिलने का मौका मिला और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम काकर समाज राष्ट्रीय समिति के गठन के लिए जो पहल आपने छेड़ी है उसके लिए। आज निजाम भाई ने जो बात बताई वो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे जब से ही हम निजाम भाई और इनको जानते थे। ये निजाम भाई रऊफ साहब, हाजिर साहब, इनके साथ भी वो राजस्थान भी आए थे, रऊफ साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने बताया था कि जब हमको पता चला कि हमारी काकर बिरादरी भी इतनी बड़ी है, क्योंकि इतना मालूम नहीं था, क्योंकि सब अलग अलग थे, कोई राजस्थान था, कोई गुजरात था, कोई कर्नाटक था। जब मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में और यहाँ पे एक दौरा किया, जब मेरे को पता चला कि हमारी बिरादरी भी बहुत ही बड़ी है, जिसमें आज सर ने, मुस्ताक सर ने भी जो बात बताई कि पहल छेड़ना जरूरी है, क्योंकि अपना सरपरस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मसले होते रहते हैं। राजनीति के मसले को हो या किसी का भी कोई काम अगर करना हो तो वो काम रुकता है, क्योंकि अपना सरपरस्त होना बहुत जरूरी है। आज छोटे छोटे कौम के लिए, आज इमरान सर ने जो बात बताई, हाजी सफी साहब ने भी जो बात बताई कि आज बोहरा कमेटी देख लो, आज जैन समाज देख लो, हमारे राजस्थान के अंदर एक गुर्जर समाज है, जब वहाँ पे वसुंधरा की सरकार थी तो गुर्जर समाज ने अपनी बात रखने के लिए रेल की पटली और रोड जाम कर दिए थे और सरकार को झुकना पड़ा और उनका जो ओबीसी वर्ग में उनको सम्मिलित करना था वो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से बात करी और केंद्र सरकार ने मिल के उनको सम्मिलित किया। तो अपने को भी ऐसी छोटी छोटी जो बात है, क्योंकि अपने बहुत से बिरादरों को इस मसले में आज माशाल्लाह मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है और आज हमारी तरक्की जो 20 साल पहले को अगर आप उठा के देखो तो या तो बर्तन का बिजनेस करते थे या छोटे मोटे कारोबार करते थे, आज माशाल्लाह आज तरक्की पे है। मेरे को इस्माइल सर ने भी एक बात बताई कि आज इन्होंने वहाँ के, मैं जब महाराष्ट्र की गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो बर्तन और ये छोटे मोटे जो कारोबार से हट के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ने का इनकी कमेटी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है कि शिक्षा होगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। दीन और दुनिया ही दोनों चीज़ें आज हम हमारे उलमा बहुत सबसे ज़्यादा है, सीए सबसे ज़्यादा है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा है, इंजीनियर सबसे ज़्यादा है, मास्टर सबसे ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से, राजस्थान की तरफ से मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपना सरपरस्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने